जय जोहार, स्वागत है आप अपने खबर संजय में। मैं हूं आपके संग में शैलेश पांडे। शुरुआत बड़े खबर से, राजधानी रायपुर से। गिरिराज सिंह के गोडसे के बयान लेके एनएससीआई है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के पुतला फूके हैं यहाँ पे अम्बेडकर चौक में। अपना बता दें, प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के नेतृत्व में प्रदर्शन करेंगे और गिरिराज सिंह ला मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे के मांग करेंगे। अपना बता दें, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के गोडसे वाले बयान लेके विरोध प्रदर्शन जारी है। राजधानी में एनएसयूआई के कार्यकर्ता मन केंद्रीय मंत्री के पुतला फूके और साथ ही मांग करे हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से कि केंद्रीय मंत्री ला मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे जाए। भाजपा के संभाग स्तरीय सम्मेलन दुर्ग जिला के भिलाई में करे जा रहे थे। सम्मेलन के बहाने कार्यकर्ता मन रिचार्ज करे के वरिष्ठ नेता मन प्रशिक्षण दे जाता। इस दौरान मौजूदा सरकार कैसे घेरना है, एक ऊपर विशेष ध्यान दे जाते। सम्मेलन में भाजयुमो CGPSC 2021 के परिणाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। पत्रकार वार्ता में भाजयुमो के प्रदेश महामंत्री अंकित जायसवाल और जिला अध्यक्ष अमित मिश्रा के इसके मेरिट सूची में शामिल अभ्यर्थियों के चयन लेके बड़े विवाद खड़े हुए हैं। चयन सूची में आयोग के अध्यक्ष के पुत्र के नाम बिना उपनाम के शामिल करेंगे। साथ ही भाजयुमो ने तमन कई आरोप लगाए और भ्रष्टाचार का माहौल जो छत्तीसगढ़ में व्याप्त है। भय है युवाओं को नशे की बर्बादी का, भय है जो मेहनत का छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उनके बदले भ्रष्टाचारी तरीके से उनकी नियुक्तियां हो जा रही है, ये भय है। भय है बहन बेटियों की इज्जत के खिलवाड़ का, इस तरह से भय है एक आम नागरिक के भूमि हड़प हो जाने का। इस तरह के बहुत सारे भ्रष्टाचार और भय भ्रष्टाचार का माहौल जो सरकार ने बना के रखा है, इसका पुरजोर तरीके से विरोध करने के लिए युवा मोर्चा कमर कस के तैयार हो चुकी है। भाजपा युवा मोर्चा मांग करती है कि PSC चेयरमैन तामन सुरवानी जी का नार्को टेस्ट किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जो प्रथम 20 पदों पर अधिकारियों के और नेताओं के बच्चों की जो नियुक्तियाँ हुई हैं वो कहीं ना कहीं एक संदेह के दायरे पर आता है। और जिस प्रकार से लोक सेवा आयोग द्वारा जो निष्पक्ष अभ्यर्थियों का चयन करना चाहिए वो कहीं ना कहीं एक संदेह के दायरे पे है। और जिस प्रकार से ये भ्रष्टाचार हुआ, कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ के युवा हैं वो हताश और निराश हुए हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्ट सरकार से उनको काफी निराशा है। एक और बड़ी खबर के बात करबो, जिनकी बीजापुर से आते नक्सल कमेटी के सचिव मोहन है एक प्रेस नोट जारी करे है। पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी नक्सल कमेटी के सचिव है मोहन पुष्नार। इलाका में मुठभेड़ लेके सवाल खड़े करेंगे। उनके है कि कोरबा जवान के दो गुट के बीच में हुई फायरिंग, मुठभेड़ में दो जवान घायल है। जिससे पुलिस मन नक्सली मन के साथ मुठभेड़ के कर दावा होता। बता दें 18 अप्रैल के गुंडेपुर में मुठभेड़ हुई से जिला साजिशाना हत्या बताया जा रही। चेरपाल के व्यापारी निर्मल जुमड़े की गिरफ्तारी पर मन कहे इसके व्यापारी फर्जी केस में फंसाए गए हैं। प्रेस नोट जारी करके नक्सल डिवीजन कमेटी द्वारा तमाम बात कही गई और साथ ही पूरा मामला में न्यायिक जाँच की मांग भी उठाए। अपना बता दें, ये नक्सल कमेटी पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी डिविजनल के मोहन जिन्हें उनका द्वारा एक प्रेस नोट जारी करे गए हैं। पुष्नार इलाका में 18 अप्रैल के मुठभेड़ का लेके सवाल खड़ा करे नक्सली मन है और मन कहे गए प्रेस नोट में कोरबा जवान के दो गुट मन के बीच में लड़ाई हो रही से जिला मुठभेड़ के नाम दे गए हैं। साथ ही साथ व्यापारी गिरफ्तारी लेके भी यहाँ पे सवाल खड़े करेंगे और पूरा मामला में न्यायिक जांच के मांग करेंगे। बीजापुर संवाददाता गणेश मिश्रा हमारे साथ फोन में जुड़ा। गणेश, पूरा जानकारी दो। जी, मैं बता दूं कि जिस तरीके से जो पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी है माओवादियों की, उसके जो सचिव है मोहन, उसने जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें कुछ मुठभेड़ को लेकर जो सवाल निशान लगाए हैं, जिसमें से एक जो है 21 मई को जो पुष्नार में इलाके में मुठभेड़ हुआ था उसको सवाल निशान लगाते हुए कहा है कि उसमें उनके साथ कोई माओवादियों के संगठन साथ पुलिस की कोई मुठभेड़ नहीं हुई थी, बल्कि कोबरा जवानों के दो गुटों के बीच गोलियां चली थी और उस घटना में दो जवान भी जख्मी थे। उसके अलावा 18 अप्रैल को जो गुंडेपुर में जो मुठभेड़ हुआ था उस पर भी सवाल निशान लगाया है। चेरपाल में जो एक व्यापारी की गिरफ्तारी हुई उस पर भी सवाल निशान लगाया। सभी इस मामले में माओवादी नेता ने न्यायिक जांच की मांग करते हुए इन सारे मामलों में और इसके अलावा भी पुष्नार कैंप में जवानों द्वारा कई ग्रामीण साथ मारपीट के जो आरोप लगाया, तो कहीं ना कहीं से जिस तरीके से लगातार इस इलाके में जो सुरक्षा बल अपने कैंप स्थापित कर रहे हैं, सड़कों का विस्तार कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर ये लगातार आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। जी गणेश, व्यापारिक गिरफ्तारी लेके कब इनसे मामला है?
जी देखिए, ये कुछ दिन पहले हाल ही में शेरपाल के एक व्यापारी निर्मल जुमरे, उस पर माओवादियों को 100 बोरी चावल सप्लाई करने का आरोप लगा था और 100 बोरी चावल के साथ उसके साथ ही पुलिस ने उस व्यापारी को गिरफ्तार भी किया। उस गिरफ्तारी के बाद जो इंट्रोगेशन हुआ था उसमें उस व्यापारी ने इस बात का खुलासा भी किया था कि उन्होंने माओवादियों से पैसा लिया था और माओवादियों के लिए चावल सप्लाई की गई थी। बावजूद अब माओवादियों की ओर से जारी जो प्रेस नोट जारी किया गया उसमें इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं पुलिस का एक साजिश बताया जा रहा है। जी शुक्रिया गणेश पूरा जानकारी में। गणेश मिश्रा हमारे संवाददाता बीजापुर से बता रही है कि लगातार दो मुठभेड़ लल्ले के सवालिया निशान नक्सली मन के द्वारा खड़े करे गए, एक अलावा व्यापारी गिरफ्तारी लेके भी जो है वो सवाल खड़े करेगा। पूरा मामला में न्यायिक जांच की मांग भी करेंगे। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के विशेष सामान्य सभा की बैठक आज राजधानी के इंडोर स्टेडियम में। इस बैठक में संघ से जुड़े सभी खेल प्रकोष्ठ के पदाधिकारी मन हिस्सा लिस्ट वहीं बैठक में सब सदस्य मन है सर्वसम्मति से ओलंपिक संघ के नया महासचिव के रूप में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के चुनाव करी। महासचिव चुने जाए के बाद देवेंद्र यादव सभी सदस्य मन के आभार भी व्यक्त करी। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का बहुत दिल से धन्यवाद आभार करूंगा। उनके विशेष आशीर्वाद से आज मुझे जनरल सेक्रेटरी के रूप में चुना गया ओलंपिक संघ छत्तीसगढ़ का। ये बहुत ही महती जिम्मेदारी है और निश्चित रूप से लाखों युवा खेल से जुड़े हुए हैं और छत्तीसगढ़ में खेल की जो संभावनाएं हैं उसको तलाशने और तराशने, ये दोनों का काम हमारा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम लोग ज्यादा से ज्यादा मेडल छत्तीसगढ़ के लिए ले। प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब महज कुछ महीना बाकी, लल्ले की तैयारी भी शुरू हो गई है। 10 जून से 27 जून तक चलेगा ईवीएम और अन्य मशीन के FLC के पहले चरण की जाँच शुरू हो गई है। जिला में 5,500 से ज़्यादा मशीन वेयर हाउस में है। यहाँ कंट्रोल यूनिट 1623, बैलेंस यूनिट 2261 और 1760 VVPAT मशीन शामिल है। एक मशीन के जांच कर जाए कर काम हैदराबाद से पहुंचे 9 इंजीनियर के टीम के साथ साथ जिला के राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के मौजूदगी में कर जाए। जी हाँ, पूरा निर्वाचन की पूरी तैयारी चालू हो गई है। आज 10 जून को FLC के कार्यक्रम चालू हो गए हैं। इस IEL के 9 इंजीनियर और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की उपस्थिति में FLC का कार्य सुरक्षा के साथ, पुलिस सुरक्षा के साथ संपन्न कराए जा रहे हैं। जी हाँ, हैदराबाद से IEL कंपनी के इंजीनियर आए हैं। सारंगढ़ के अलग जिले होने के कारण उनके यहाँ से पृथक FLC की कार्रवाई की जा रही है। ट्रेनिंग अभी किस तरीके से और भी दिया जाएगा? अभी तो स्टेप बाय स्टेप कई ट्रेनिंगें होंगी। पुलिस पर्सनल की ट्रेनिंग होगी, मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन की ट्रेनिंग होगी और FLC की ट्रेनिंग हमने पहले करा चुकी है। प्रदेश भर में आम आदमी पार्टी डोर टू डोर कैंपेन चला रहा था। बिलासपुर में 2 जुलाई के केजरीवाल और भगवंत मान के महारैली आयोजित करे गए हैं। जिला अधिकृत कार्यकर्ता और पदाधिकारी मन महारैली की तैयारी में जुट गए हैं। कैंपेन के माध्यम से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मन गाँव गाँव जाते और लोगन मन आमंत्रित भी करते। जसपुर जिला के बगीचा और पत्थलगांव क्षेत्र में अंधविश्वास और चंगाई सभा के भ्रम से धर्मांतरण कर आदिवासी मन बाकायदा प्रशासनिक अधिकारी मन शपथ पत्र दे के हिंदू धर्म में वापस लौटे धर ले हैं। जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मंत्री गणेश राम भगत के सामने बगीचा के करडे गाँव में फिर से हिंदू धर्म में लौटैया उनके 17 लोगों में भव्य स्वागत करेगी। सभी के ग्रामीण महिला मन नाच गाने के साथ पैर धो के अपनी परंपरा के साथ वापिस हिंदू धर्म में शामिल करी। स्वागत करते हुए चंगाई नाम का मिशनरी का एक तथा कथित लोगों को तोड़ने का काम तथा कथित रूप से कर रहा है। ये समाज को, देश को तोड़ने का काम कर रहा है और आज जो वापिस हुए उन लोगों को समझ में आ गया कि जो चंगाई वाले हैं ये हम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं। चंगाई सभा के माध्यम से अपने जाति के रीति रिवाज परंपराओं को छोड़कर अन्य धर्म स्वीकार किया गया था, उनके मन में ये कसक शुरू हो गई है कि जिस दिन डिलिस्टिंग का कानून बनेगा उस दिन ऐसे धर्मांतरित लोग जनजाति की सूची से बाहर चले जाएंगे। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना साकार करने की दिशा में भूपेश सरकार ने कई नए आयाम स्थापित किए।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सपना था कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ रहे, जिसके लिए उन्होंने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना को धरातल में उतारा। इसमें नरवा गरवा योजना को लाभ उठाकर किसान बेहद खुश है, उनकी फसल लहरा रही है और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है। भूपेश सरकार की नरवा योजना ने प्रदेश के नदी नालों को पुनर्जीवन प्रदान किया है, जिसका असर गरियाबंद वनमंडल के वन क्षेत्रों में अब दिखने लगा है। इस वन क्षेत्र के नाले जनवरी फरवरी माह में सूखने की कगार पर पहुंच जाते थे, लेकिन अब नरवा योजना के प्रभाव से अप्रैल मई तक पानी का बहाव बना रहता है। वन क्षेत्रों में भूजल स्तर बढ़ा है, जगह जगह जल का ठहराव होने से वन संरक्षण संवर्धन के साथ ही बारहमासी नालों की संख्या में वृद्धि हो रही है। नरवा योजना से हमारा बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि रवि फसल लगाते रहे तो पानी की कमी हो जाए तो वाटर लेवल हो ऊपर है, इसमें कि 2 एकड़ होते रही से आज 5 एकड़ तक सिंचित होते, और कुआं है तालाब है इनमें भी पानी की लेवल है बढ़िया बनाए रखी से, और जैसे कि जंगली जानवर मन घर में आ जाते रही से वो घर में नहीं आके अब उमला वहाँ से पानी पर्याप्त होते, जैसे कि आदमी शिकार करके मारा तरी से वो बचत है, ये हमारे बहुत सारी बेनिफिट है। नरवा विकास कार्यक्रम में नालों के ट्रीटमेंट से पहले स्थलों का वैज्ञानिक पद्धति से सॉफ्टवेयर के माध्यम से सर्वे किया जाता है, उसके बाद नरवा ट्रीटमेंट का कार्य प्रारंभ किया जाता है। गरियाबंद वनमंडल के 34 नालों में वाटर ट्रीटमेंट किया गया है, इससे जहां भूक्षरण में कमी आई है वहीं सिंचित क्षेत्र भी बढ़ा है। स्टॉप डैम, चेक डैम, आर्दन डैम का लाभ किसान लगातार उठा रहे हैं। ये योजना वन्य प्राणियों के लिए भी कारगर साबित हो रही है। गरियाबंद जिला में गरियाबंद वन मंडल में वन विभाग की तरफ से नरवा विकास योजना के तहत हम लोग कैंपा से जो स्वीकृति मिलता है वो कैंपा से विभिन्न वर्ष में 2019-20 से लेकर 22-23 तक हम लोगों को लगभग 34 नरवा स्वीकृति हुआ है। वो जो 34 नरवा हम लोग जो नरवा का जो ऊपर उद्गम क्षेत्र से लेकर नीचे तक हम लोग है वाटरशेड मेथड में हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, उसका जो सभी का मिलाकर जो लंबाई है 280 किलोमीटर लंबाई नरवा को हम लोग ट्रीटमेंट किया, उसको वाटरशेड कैचमेंट एरिया को भी हम लोग ट्रीटमेंट किया है। इसमें आप देखेंगे टोटल जो स्ट्रक्चर है 381,000 स्ट्रक्चर को हम लोग निर्माण किए हैं, उसमें विभिन्न स्ट्रक्चर ऐसा है कि लूज बोल्डर चेक डैम है, गैबियन स्ट्रक्चर है, कंटिन्यूस कंट्रोल ट्रेंच, स्टैगर्ड कंट्रोल ट्रेंच और एर्दन गली प्लग, ब्रशवुड चेक डैम, स्टॉप डैम, चेक डैम और ऐसा है, और जो पॉन्ड और पर्कुलेशन टैंक, ये सब मिलकर हम लोग को किए हैं। नरवा कार्यक्रम के क्रियान्वयन से जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन की संभावनाएं बढ़ गई हैं, वहीं इलाके का पारिस्थितिक तंत्र भी मजबूत होने लगा है। INH न्यूज़ ब्यूरो।